हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। 2 से 7 सितंबर तक एक क्या वीडियो नहीं आ पाया था करंट अफेयर्स का, तो आज मैं टोटल 71 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसमें क्या है 2 से 7 सितंबर के भी जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के अलगावादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 91 ईयर के एज में इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जम्मू कश्मीर के जो अलगावादी नेता जिनका नाम सैयद अली शाह गिलानी था उनका हाल ही में श्रीनगर में 91 ईयर के एज में क्या हुआ, इनका निधन हो गया है। 15 साल तक ये जम्मू कश्मीर के 87 सदस्य वाली विधानसभा के सदस्य रहे थे। 1972, 1977 और 1987 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर विधानसभा में सोपोर से सदस्य रहे। याद रखिए सोपोर से ये सदस्य रहे, कहां से, सोपोर से, 1972, 1977 और 1987। और नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के कि निम्न में से किस विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जीवन 9 वर्ष तक कम हो सकता है। इसका आंसर है आपको शिकागो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी द लाइफ ऑफ द इंडियंस कैन बी रिड्यूस्ड बाई 9 ईयर्स ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। तो इसका आपको शिकागो यूनिवर्सिटी हुआ। इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो शिकागो विश्वविद्यालय के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक जिसको एयर क्वालिटी AQLI बोलते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक क्या हुआ कि वायु प्रदूषण के कारण भारतीयों का जो जीवन जो है वो 9 वर्ष तक क्या है कम हो सकता है। और बात करते हैं भारत विश्व का सबसे प्रदूषित देश है, वो उसने बताया इस रिपोर्ट में कि जो भारत जो है विश्व का सबसे प्रदूषित सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है। यहाँ पे 48 करोड़ से अधिक लोग या देश की लगभग 48% जो आबादी जो है उत्तर में गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज स्टेट गवर्नमेंट्स हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू चेंज द नेम ऑफ राजीव गांधी नेशनल पार्क टू औरंग नेशनल पार्क। तो ये असम सरकार का, असम सरकार में किस किस सरकार है, बीजेपी की, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा जो है आपको SCM है। यहाँ से बात करते हैं असम सरकार का, तो असम सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की है, औरंग नेशनल पार्क। यह नाम का बदलाव स्थानीय चाय बागान से जुड़ी जनजाति की मांग पर किया गया है। यह औरंग राष्ट्रीय उद्यान देश का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो असम के दरांग और सोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। यानी ये जो नेशनल पार्क है वो ब्रह्मपुत्र नदी के आपको उत्तरी पार्ट पे जो है आपको स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण रमन मैग्सेसे, याद रखिएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कारों से कितने लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है, यानी रमन मैग्सेसे से कितने लोगों को एक तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा, कितने लोगों को अवार्ड दिया जाएगा, तो ये 5 लोगों को अवार्ड देने का घोषणा की है। इसका अगर बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण माने जाने वाले रमन मैग्सेसे हाल ही में 5 लोगों को सम्मानित करने की घोषणा की है। 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे बांग्लादेश के वैक्सीन विज्ञानी डॉक्टर फिरदौसी कादरी, याद रखिए इंपॉर्टेंट है आपको कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी कहाँ के, बांग्लादेश के वैक्सीन विज्ञानी। उसके बाद पाकिस्तान के बात करते हैं, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर जिसका नाम है मोहम्मद अमजद साकिब जो है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और फिलीपींस के रॉबर्टो बैलन, और अमेरिका के स्टीव मुंसी, और इंडोनेशिया के वाच डाक इसमें शामिल है। ये 5 का नाम आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपको बांग्लादेशी है, एक पाकिस्तानी है, उसके बाद एक फिलीपींस के, एक अमेरिका के और एक इंडोनेशिया के है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं कि निम्न में से किस फिनटेक सेवा कंपनी ने भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाता बिलडेस्क का $4.7 बिलियन में अधिग्रहण किए जाने की घोषणा की है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनटेक सर्विसेज कंपनी हैज एक्वायर्ड इंडियन डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर बिलडेस्क $4.7 बिलियन एक्विजिशन। तो पे यू नाम की कंपनी है जो इसको क्या है एक्विट करने किया है। अगर हम बात करते हैं पेयू के बारे में, फिनटेक सेवा कंपनी पेयू ने हाल ही में भारतीय जो डिजिटल भुगतान प्रदाता जो जिसको बोलते हैं बिलडेस्क का 4.7 बिलियन में इन्होंने क्या है एक तरीके से खरीद लिया है। इस अधिग्रहण के साथ यह वैश्विक स्तर पर कुल भुगतान मात्रा के आधार पर अग्रणी ऑनलाइन भुगतान प्रदाताओं में से एक बन गया है।
प्लस डिजिटल मार्केट में से एक बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का कि हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब बीएसएफ का न्यू डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किया गया है, तो पंकज कुमार सिंह जो है वो बीएसएफ के आपको न्यू डायरेक्टर जनरल को जनरल अपॉइंट किए गए हैं। अगर इनके बारे में पंकज कुमार सिंह के बारे में बात करें, हाल ही में आईपीएस के 1988 बैच के अधिकारी पंकज सिंह को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जबकि उनके बैच के साथी संजय अरोड़ा को भारत तिब्बत इंडो तिब्बतियन जो है भारत तिब्बत सीमा पुलिस जिसको बोलते हैं आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इन दोनों में 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी एसएस देसवाल से पदभार ग्रहण किया है। ये आपको 1984 बैच के जो आईपीएस अधिकारी है एसएस देसवाल उससे इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि भारत का कौन सा राज्य 100% COVID-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो आंसर आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश। इसके बारे में बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश राज्य जो है वो 100% COVID-19 टीकाकरण करवाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में 54.32 लाख लोगों को कम से कम एक डोज दी जा चुकी है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 17 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके की दोनों डोज क्या है ना दे जा चुकी है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया। याद रखिए, नेम द लोकसभा स्पीकर हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द पार्लियामेंट्री आउटरीच प्रोग्राम। तो अभी जो आपको क्या है, ओम बिरला जो है वो आपको क्या है, लोकसभा स्पीकर है। ओम बिरला के बारे में बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से संसदीय आउटरीच कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में भी इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का कि निम्न में से कौन सा आईआईटी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स, आपको याद रखना कि ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसने जारी किया है, तो ई सोर्स नाम का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आईआईटी मद्रास ने इसको जारी किया है। इसके बारे में बात करते हैं कि आईआईटी मद्रास इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। यह ई सोर्स अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करने के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में बात करते हैं कि 2 सितंबर को विश्व भर में विश्व नारियल दिवस जिसको वर्ल्ड कोकोनट डे के नाम से जाना जाता है मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में नारियल के महत्व, इसके उपयोग और इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नारियल के स्वास्थ्य लाभ कई हैं, यह हमें कई समस्याओं को दूर कर सकता है। नारियल हाइड्रेशन के साथ स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है। द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड कनेक्टिंग लेह टू विच लेक हैज बीन इनॉग्रेटेड इन लद्दाख, तो पेंगोंग लेक से आपको कनेक्ट किया जा रहा है। पेंगोंग लेक के बारे में बात करते हैं कि लद्दाख में सांसद जामयांग त्शेरिंग नामग्याल ने हाल ही में लेह को पेंगोंग झील से जोड़ने वाले विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है। 18,600 फीट की ऊंचाई पर केला दर्रे, याद रखिएगा केला पास से गुजरने वाली सड़क का यह हिस्सा विश्व का सबसे ऊंचा मोटर मार्ग है। इसका निर्माण भारतीय सेना की 58 इंजीनियर रेजिमेंट द्वारा किया गया है। यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारतीय नौसेना और किस नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया है, तो अल्जीरियाई नौसेना ने यानी अल्जीरियन नेवी ने ये आयोजित किया है। इसके बारे में बात करते हैं कि भारतीय नौसेना और अल्जीरियाई नौसेना ने हाल ही में अल्जीरिया के तट पर अपना पहला नौसैनिक अभ्यास, पहला है तो इम्पोर्टेंट है, नौसेना का अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास में स्टेल्थ शिप आईएनएस तबर ने देश का प्रतिनिधित्व किया, जबकि अल्जीरिया का प्रतिनिधित्व इसके नौसैनिक जहाज ANS अजगर ने जो है वो आपको अल्जीरिया के प्रतिनिधि किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राज्यसभा के पूर्व सांसद और किस पेशे से संबंधित चंदन मित्रा का हाल ही में 65 साल की उम्र में निधन हो गया है, तो ये जर्नलिस्ट थे। यानी कहने का मतलब है कि जो आपको चंदन मित्रा जो है किससे बिलोंग करते हैं, ये जर्नलिस्ट से बिलोंग, पत्रकार थे। राज्यसभा के पूर्व सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा जो है
का हाल ही में 65 साल की उम्र में दिल्ली में इनका निधन हो गया है। इनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। चंदन मित्रा जो थे पायोनियर के एडिटर इन चीफ, पायोनियर के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे और वे 2 बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि NPCI के मुताबिक इस वर्ष किस महीने में UPI के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है। अकॉर्डिंग टू NPCI, इन विच मंथ्स हैज UPI रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन वर्थ 3.55 बिलियन, तो ये आपको अगस्त में क्या है ना, 3.55 बिलियन आपको रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के मुताबिक इस वर्ष के अगस्त महीने में UPI के द्वारा 3.55 बिलियन का लेन देन दर्ज किया गया है, जबकि इस वर्ष 2021 में यह लगातार दूसरे महीने 3 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किया गया है, जबकि UPI ने अक्टूबर 2019 में पहली बार 1 अरब लेन देन का आंकड़ा पार किया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कि IIT रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों को किस विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया गया है। देखिए, वर्ल्ड्स का फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर हैज बीन डेवलप्ड बाई द साइंटिस्ट ऑफ IIT रोपड़ एंड IIT कानपुर एंड द फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी ऑफ विच यूनिवर्सिटी, तो ये आपको क्या है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसका आंसर है। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। IIT रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा विश्व का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर आपको विकसित किया गया है, जो कि स्कूल, अस्पतालों, कार्यालय और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। और याद रखिएगा कि जो हमारा इंडिया का सबसे पहला स्मोक टावर कहाँ पे, दिल्ली में लगा है। केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में विज्ञान भवन में वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेम द यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड वाई ब्रेक। इसका नाम है आपको सर्बानंद सोनेवाल। ये जो आयुष मंत्री का नया मंत्री है, जो हमारा मंत्री जो कैबिनेट जो विस्तार हुआ था उसमें सर्बानंद सोनेवाल जो थे वो, उनको आयुष मंत्रालय दिया गया। सर्बानंद सोनेवाल जो है पहले असम के मुख्यमंत्री भी थे, सर्बानंद सोनेवाल। यहाँ पे क्या, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने हाल ही में 4 केंद्रीय मंत्री के साथ मिलकर विज्ञान भवन में वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन के हिसाब से मंत्रियों सहित सभी लोगों ने योगासन भी किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है, तो पंजाब सरकार, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ बात करते हैं, पंजाब सरकार ने हाल ही में इनोवेशन मिशन पंजाब की शुरुआत की है। यह मिशन सार्वजनिक निजी भागीदारी मिशन जो वैश्विक निवेशकों और विशेषज्ञों को स्टार्टअप का उत्प्रेरित करने के लिए लाएगा। इससे राज्य की विकास क्षमता भी बढ़ाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि RBI ने नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है। हाउ मेनी मेंबर्स कमिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाई RBI टू रिव्यू द एप्लीकेशन रिसीव्ड बाई न्यू अम्ब्रेला यूनिट लाइसेंस, तो ये आपको 5 सदस्यीय 5 मेंबर। यहाँ पे बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में नई अम्ब्रेला इकाई लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदनों की समीक्षा के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता RBI के मुख्य महाप्रबंधक पी वासुदेवन करेंगे। ये नई अम्ब्रेला इकाइयों ऐसे फायदेमंद इकाइयां हैं जिन्हें खुदरा क्षेत्र में भुगतान का प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया जाएगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि भारतीय नौसेना ने स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है। विथ विच कंपनी हैज द इंडियन नेवी साइंड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई एन इंडिजीनियस डेवलप्ड नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, याद रखिएगा नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम, तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ क्या है ना, ये हमारा समझौता किया है। अगर इसके बारे में बात करते हैं कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेश में ही विकसित नौसेना ड्रोन रोधी प्रणाली की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक उपक्रम कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इस ड्रोन रोधी प्रणाली को रक्षा अनुसंधान जो DRDO ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किस मंत्रालय ने डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट परियोजना शुरू की है। डीजल को LNG से बदलने के लिए पायलट परियोजना किसने शुरू की है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू रिप्लेस डीजल विथ LNG, मतलब डीजल को रिप्लेस करके LNG का यूज होगा। कोयला मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने ऐसा किया है। कोयला मंत्रालय,
कोयला मंत्रालय ने हाल ही में डीजल को एलएनजी में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत कोयला के परिवहन में लगे बड़े ट्रकों के डंपरों में एलएनजी किट को लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे सालाना करीब 500 करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी। यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में किसने 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है। रिसेंटली हु हैज टाइड अप फॉर मोर देन 100 स्काई स्ट्राइकर ड्रोन। स्काई स्ट्राइक भी देखिए ड्रोन का ज्यादा ही बोलबाला चल रहा है, तो इसमें भारतीय सेना इंडियन आर्मी ने ऐसा किया है। भारतीय सेना ने हाल ही में 100 से अधिक स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए समझौता किया है। इस ड्रोन को की रेंज लगभग 100 किलोमीटर होगी। यह अपने साथ 5 अथवा 10 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ दुश्मन के ठिकानों को खत्म कर सकता है। यह ड्रोन मानव रहित एरियल हथियार है, यहाँ पे मानव नहीं रहेंगे, मतलब क्या हो, मैनलेस। ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की है? द सेंट्रल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च्ड द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी स्कीम। तो दक्षिण अफ्रीका के साथ इसने लॉन्च की है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और मलेशिया के केंद्रीय बैंकों ने हाल ही में सेंट्रल बैंक डिजिटल CBDC योजना शुरू की है। यह एक सीमा पार भुगतान परीक्षण है जो विभिन्न केंद्रीय बैंकों डिजिटल मुद्राओं का उपयोग यह आकलन करने के लिए करती है कि यहां यह लेन देन को सस्ते और आसान तरीके से निपटाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरा करने वाला बल्लेबाज बन गया। तो विराट कोहली जो है 23,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू कंप्लीट 23,000 रन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। आंसर है इसका क्या है ना, विराट कोहली आंसर है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 23,000 रन पूरा करने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 490 पारियों में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 522 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी। याद रखिएगा, 490 में विराट कोहली और 522 में सचिन तेंदुलकर ने यह उपलब्धि हासिल किया था। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और किस देश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है? न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज रिसेंटली एडेड यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे एंड विच कंट्री, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को इन्हें जोड़ा है। ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित, देखिए जो एक तरीके से न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स बैंक इसको बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक समूह के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा है। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में ब्रिक्स सदस्य, ब्रिक्स में जैसे बी से देखिए ब्राजील, आर से हो गया रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और उसके बाद क्या हो, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है 2010 में इसका मेंबर बना था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ब्रिक्स का शंघाई में है। इसका पहला क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया था। यहाँ पे हम बात करते हैं कि भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से किस देश ने हाल ही में छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है? तो इसको विकसित करने वाला चीन है। विच कंट्री हैज रिसेंटली डेवलप्ड अ स्मॉल हेलीकॉप्टर फॉर द पर्पस ऑफ सर्विलेंस वर्क ऑन फ्यूचर ऑन क्या, मार्स मिशन। तो ये हमारा क्या हुआ, चाइना इज द करेक्ट आंसर। चीन की अंतरिक्ष विज्ञान एजेंसी ने हाल ही में भविष्य में मंगल मिशनों पर निगरानी कार्य के उद्देश्य से एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर विकसित किया है। इस हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर रोबोटिक रोवर की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद विकसित किया गया है। साथ ही चीन ने वर्ष 2033 में मंगल ग्रह पर अपने पहले चालक दल के मिशन का योजना बनाई है। नेक्स्ट बात करते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक का बात करें, टोक्यो पैरालंपिक 2000 यहाँ पे कितना है, 21 है। देखिए याद रखिए 2021 में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की उच्ची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जीतने वाली है रजत पदक, क्या है ना, सिल्वर मेडल क्या इन्होंने जीता है। मरियप्पा थंगावेलु हैज ओन विच मेडल इन द मेन्स हाई जंप एट द टोक्यो पैरालंपिक 2021। तो ये हमारा क्या हुआ, सिल्वर मेडल। यहाँ पे बात करते हैं कि भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरा ओलंपिक जो 2021 में पुरुषों की ऊंची कैद T63 में रजत पदक सिल्वर मेडल जीता है। उन्होंने रजत पदक के लिए 1.86 मीटर की दूरी तय की और इसी स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर की आंकड़ा पार करते हुए कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रखा? तो ओरंग नेशनल पार्क, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कहा कि सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए साथ योजना, याद रखिए साथ इनिशिएटिव शुरू की है। तो जम्मू कश्मीर के सरकार ने साथ इनिशिएटिव शुरू की है। एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलार कारिस जो है वो एस्टोनिया के नए
राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइम्स एक्सेलेंस अवार्ड किसने जीता है, तो सवर्णा राय ने, विच हैज ओन द टाइम्स एक्सेलेंट अवार्ड 2021, तो सवर्णा राय ने टाइम्स एक्सेलेंस अवार्ड जीती है। अब बात करते हैं साहित्य कथा लेखक सवर्णा राय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सेलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। टाइम्स एक्सेलेंट अवार्ड क्यों दिया जाता है? देखिए, टाइम्स एक्सेलेंस अवार्ड युवा उद्यमी नेताओं और इनोवेटर्स को पहचानने, प्रोत्साहित करने और उनके मान्यता प्रदान करने के लिए इसको दिया जाता है। लद्दाख सरकार ने को राजकीय पक्षी घोषित किया है। तो लद्दाख सरकार ने हिम स्नो लेपर्ड जिसको बोलते हैं को आपको राजकीय पशु स्टेट एनिमल, और उसका ब्लैक नेक्ड क्रेन जो है, जिसको काली गर्दन वाली जो क्रेन जो है, उसको आपको क्या है, स्टेट बर्ड कहना घोषित किया है। तो याद रखिएगा, लद्दाख सरकार ने स्नो लेपर्ड को स्टेट एनिमल और ब्लैक नेक्ड क्रेन को स्टेट बर्ड क्या घोषित किया है। यहां बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अवनी लेखारा को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है? राजस्थान सरकार ने। नेक्स्ट बात करते हैं कि नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है। व्हिच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड मिशन ऑन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCR के नए निदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं? तो बी वेंकटरमन याद रखिएगा, बी वेंकटरमन ने, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च IGCR, बी वेंकटरमन जो है वो नया निदेशक बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस राज्य में अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का आधारशिला रखी गई है? इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज बीन लेड सो फार? तो मेघालय में सबसे पहला चार्जिंग स्टेशन का आधारशिला रखा गया है। भारत की किस कंपनी ने प्रतिष्ठित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड ने। विच इंडियन कंपनी हैज ओन द प्रेस्टिजियस एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड 2021? ए पावर ग्रिड ने इसको जीता है। आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने किस मंत्रालय में आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है? इन विच मिनिस्ट्री द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई हैज लॉन्च्ड द आयुष आपके द्वार ए आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। प्रतिष्ठित डन एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉर्पोरेशन अवार्ड 2021 से किस इलेक्ट्रिक सर्विस कंपनी को सम्मानित किया गया है? विच इलेक्ट्रिक सर्विस कंपनी हैज बीन ऑनर्ड विथ द प्रेस्टिजियस डन एंड ब्रैड स्ट्रीट कॉपरेटिव अवार्ड? तो SVJN जो है, SVJN लिमिटेड को इसको मिला है। भारत में कौन सी इंडस्ट्री द्वारा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो है 2020 से 2020 की मेजबानी की जाएगी? विच मिनिस्ट्री विल होस्ट द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट जो है 2020 से 21 इन इंडिया, कौन होस्ट कर रहा है? PhD Chamber of Commerce and Industry इसको होस्ट करेगा। निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स रोवर ने पृथ्वी पर वापसी के लिए पहला चट्टान का नमूना एकत्र किया है? ब्लू ओरिजिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी मार्स रोवर हैज कलेक्टेड द फर्स्ट रॉक सैंपल टू रिटर्न टू अर्थ? तो ब्लू ओरिजिन ने ऐसा काम कर दिखाया है। अब ब्लू ओरिजिन किसका कंपनी है? याद रखिए, जेफ बेजोस। भारत की नौसेनाओं और किस देश के बीच हुए द्विपक्षीय नौसेनाएं अभ्यास सिम्बेक्स का 28th संस्करण संपन्न हुआ? तो याद रखिएगा कि सिम्बेक्स, देखिए यहाँ पे S से सिंगापुर है और I से हमारा क्या हुआ, इंडिया है। तो द 28th एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो कि सिम्बेक्स बिटवीन इंडिया नेवी एंड विच कंट्री, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है सिंगापुर। भारत और किस देश ने एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक परियोजना समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड अ प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फॉर एयर लॉन्च्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल? तो इसको क्या है ना, अमेरिका के साथ समझौता किया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का बात करें, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अवनी लेखारा ने क्या है, दो पदक जीतने वाली पहली, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन टू मेडल्स एट द टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021? तो इसको नाम है हमारा क्या, अवनी लेखारा।
यहाँ बात करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन है। सीबीडीटी के नए अध्यक्ष है जेबी महापात्रा। जेबी महापात्रा सीबीडीटी के नए अध्यक्ष बने हैं। सोलंग त्यौहार याद रखिए, सोलंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में सोलंग फेस्टिवल मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 विच कंट्री हैज होस्टेड द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021, तो इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 का होस्ट भारत करेगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने 1 सितंबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस 61 स्थापना दिवस एनसीईआरटी ने मनाया है। स्टार्टअप क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इनोवेशन मिशन पंजाब आईएम पंजाब को किसने शुरू किया है, तो पंजाब के जो आपको सीएम जो है चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरू किया है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं, अतुल भट्ट जो है वो RINL के नए चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CMD बने हैं। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है, तो याद रखिएगा एलेजांद्रो प्रीतो ने बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि द मर्डरर द मोनार्क एंड द फकीर, देखिए मर्डरर मोनार्क एंड द फकीर के नाम पुस्तक का किसने लिखी है, तो अप्पू स्थोंस सुरेश प्रियंका कोटमराजू। याद रखिएगा हु हैज रिटन द बुक द मर्डरर द मोनार्क एंड द फकीर, इसको है अप्पू स्थोंस सुरेश एंड प्रियंका कोटमराजू। लद्दाख ने दो लुप्त प्राय प्रजातियों हिम तेंदुआ और किस नया राज्य पशु को राज्य पक्षी घोषित किया है, तो ब्लैक नेक्ड क्रेन हम आपको पहले भी बताए हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने किस शहर में आयकर विभाग के कार्यालय भवन की आधारशिला रखी है, इन विच सिटी हैज श्रीमती निर्मला सीतारमन लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस, तो ये बेंगलोर में आधारशिला रखी है। हाल ही में किसने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है हमारा कोर्बीवैक्स का क्लिनिकल परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है, तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ड्रग कंट्रोलर DCGI ने इसको परमिशन दी है कि इसको कोर्बीवैक्स। निम्न में से कौन सा देश प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है, तो प्लास्टिक समझौता विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लॉन्च द प्लास्टिक एग्रीमेंट, तो ये आपको इंडिया बन गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, आयरलैंड की सरकार ने यूजर्स के प्राइवेसी पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी नहीं बरतने के आरोप में किस कंपनी पर 1971 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, ये व्हाट्सएप पे क्या है जुर्माना लगाया है। विच कंपनी हैज बीन फाइंड 1971 रुपीज करोड़ बाय द गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के द्वारा नॉट मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ द यूजर, तो आयरलैंड गवर्नमेंट के द्वारा कितना 1971 करोड़ रुपये का आपको यहाँ पे इस पे फाइन मारा गया है व्हाट्सएप पे। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता है, तो मनीष नरवाल ने गोल्ड क्या है यहाँ पे मेडल जीते हैं। देखिए पूरा पैरा ओलंपिक का जितना भी क्या है ना कौन कौन सा मेडल क्या है कौन कौन जीते हैं पूरा एक क्या है ना कंप्लीट वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगा बहुत ही जल्द। यहाँ पे द टाइम्स हायर एजुकेशन के रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन टाइम्स हायर एजुकेशन के अकॉर्डिंग कौन सा यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो टॉप पे रहा है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24th बैठक की अध्यक्षता किसने की, हु हैज चेयर्ड द 24th मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल FSDC, इसका निर्मला सीतारमन ने अध्यक्षता की है। यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हु हैज बिकम द हाईएस्ट गोल स्कोरर फुटबॉल प्लेयर इन द इंटरनेशनल फुटबॉल, तो इसका आंसर है आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं। द हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो धीरा खंडेलवाल ने हरियाणा एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक किसने लिखी है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2021 कब मनाया जाएगा, तो 5 सितंबर को, व्हेन विल द इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी 2021 को सेलिब्रेट किया जाएगा। 63rd बात करते हैं कि कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी के लिए आत्मनिर्भर बागवान योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आत्मनिर्भर कृषि योजना फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड आत्मनिर्भर बागान योजना फॉर हॉर्टिकल्चर, तो ये अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट की है।
कछुआ संरक्षण के लिए वेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021, वेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड विथ वेलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड 2021 फॉर टर्टल कंजर्वेशन? तो डॉक्टर शैलेंद्र सिंह को यह अवार्ड मिला है। निम्न में से किस अभिनेत्री को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो कैटरीना कैफ को शुगर फ्री का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। टोक्यो पैराओलंपिक में भारत 5 गोल्ड इन्होंने जीता है, 5 गोल्ड मेडल जीतने के साथ कौन सा स्थान पर रहे? तो 24th स्थान पर भारत यहाँ पे रहा है। लवलीना बोरगोहेन की हाल ही में किस राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड लवलीना बोरगोहेन, क्या है आपको, लवलीना बोरगोहेन हैज एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। तो ये असम सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसको, एक बार फिर से देख लीजिए, लवलीना बोरगोहेन, याद देखिए, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार ने आपको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, किसके लिए, समग्र शिक्षा अभियान के लिए। गुजरात सरकार ने हाल ही में लगभग कितने हजार करोड़ रुपये की लागत वाली वतन प्रेम योजना शुरू करने की योजना बनाई है? रिसेंटली द गुजरात गवर्नमेंट हैज प्लान्ड टू स्टार्ट वतन प्रेम योजना कॉस्टिंग अबाउट हाउ मेनी थाउजेंड करोड़, 1000 करोड़ रुपये की लागत से स्टार्ट की है। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया है? उड़ीसा सरकार ने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट असेंबली हैज पास्ट द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बिल 2021? उसका आंसर है आपको उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में कलकत्ता में डुरंड कप किससे, फुटबॉल से कनेक्टेड है, डुरंड कप का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? तो 130th संस्करण शुरू हुआ है। विच एडिशन ऑफ डुरंड कप हैज स्टार्टेड इन कलकत्ता रिसेंटली? तो 130th एडिशन स्टार्ट हुआ है। एशिया के हरित विकास के वित्त पोषण के लिए भारत और किस देश ने $1.2 बिलियन के पैकेज की घोषणा की है? यूनाइटेड किंगडम इसका आंसर है। इंडिया एंड विच कंट्री हैव अनाउंस्ड अ पैकेज ऑफ $1.2 बिलियन टू फाइनेंस द ग्रीन डेवलपमेंट ऑफ एशिया? तो इसका आपको आंसर है यूनाइटेड किंगडम। और लास्ट मेरा जो क्वेश्चन है, ब्राइट स्टार अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाने वाला एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है? याद रखिएगा, एक्सरसाइज जिसका नाम है ब्राइट स्टार इज अ मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड इन व्हिच कंट्री? तो इसको इजिप्ट में किया जा रहा है। तो यही हमारा क्या है ना लास्ट क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन जो 2 सितंबर से लेकर आपको 7 सितंबर के बीच जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो हमने क्या है ना डिस्कस किया है। और बाकी जो हमारा क्या है ना जो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा, फिर क्या है ना नेक्स्ट वीडियो जो आएगा और एक कंप्लीट वीडियो आएगा जो कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में जितने भी मेडल इंडियन ने जीते हैं वो सब का क्या है ना। इसी के साथ फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।